तो आप सभी लोगों हैप्पी न्यू ईयर, एंड न्यू ईयर के साथ ही मैं लेकर आ चुका हूँ टॉप 5 MCP PVP सर्वर्स। एंड हाँ, ये सारे के सारे सर्वर्स एकदम लेटेस्ट वर्जन का मैं वर्क करते हैं, जो कि अपना 1.20.51 है, इसके अंदर भी वर्क कर रहे हैं एंड मैं इसी के अंदर प्ले कर रहा हूँ। एंड सारे के सारे सर्वर्स एकदम लेजिट है एंड आप लोग यहाँ पर आराम से खेल सकते हो एंड आपको अच्छे खासे FPS भी देखने को मिल जाएंगे, अच्छा खासा पिंग देखने को मिल जाएगा जिससे आपका लैग बहुत कम होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते अपने माइनक्राफ्ट होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आ चुका अपने माइनक्राफ्ट की होम स्क्रीन पे एंड हाँ, आप लोग देख सकते हो मेरी होम स्क्रीन को ज़्यादा ही अलग है क्योंकि मैं एक पैक यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग देख सकते हो मैं भी 1.20.51 के अंदर हूँ, जो कि अभी का अपना लेटेस्ट वर्जन है। एंड जो भी सर्वर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सारे इस वर्जन के अंदर वर्क करने वाले हैं एंड अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन हो उसके अंदर भी वर्क करेंगे। तो हाँ, चलते हैं सीधा प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं एंड अपन को यहाँ पर आ जाना अपने सर्वर्स वाले सेक्शन के अंदर। एंड यहाँ पर अपन को देखने को मिल जाता है ऐड सर्वर का ऑप्शन, अपन को यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर अपन को डालना पड़ेगा अपना पहले सर्वर का नेम। तो अपने पहले सर्वर का नेम है माइंड केव एंड यहाँ पर अपन को माइंड केव लिख देना है। फिर अपन को यहाँ पर डालना है सर्वर एड्रेस, सर्वर एड्रेस में अपन को डालना पड़ेगा play.mindcave.in। तो फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड अपन को पोर्ट के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, अपना पोर्ट जो है एकदम सेम ही रहने वाला है। तो हाँ, आप लोग देख सकते हो ये है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ play.mindcave.in अगर आपको ढंग से नहीं दिखा हो तो। एंड अभी अपन वेट करते हैं लोकेटिंग होने का, फिर अपन यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर अपना सर्वर लोकेट हो चुका है, अपन क्लिक कर दे रहे हैं ज्वाइन सर्वर के ऊपर एंड हो जाते हैं सर्वर के अंदर ज्वाइन। ओके, तो मैं यहाँ पे सक्सेसफुली ज्वाइन हो चुका अपने पहले सर्वर के अंदर जिसका नाम है माइंड केव एंड यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है 1/1/2024, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर है आज। अब पता नहीं मैं इसको आज ही अपलोड कर पाऊँगा या फिर मैं शायद कल अपलोड करूँ, लेकिन जो भी हो, हैप्पी न्यू ईयर आप सबको फिर से। एंड यहाँ पर अपन को देखने मिल जाता है एक कंपास, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कंपास है, अपन को इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेना है। फिर आप लोग अगर डायरेक्टली फोन पर खेल रहे हो तो आपको सिर्फ इसको होल्ड करना है। एंड यहाँ पर अपन देखने मिल जाता है फ्री फॉर ऑल, यानी कि FFA, अपन इसके अंदर आ जाते हैं एंड यहाँ पर अपन को काफ़ी सारे गेम मोड्स आगे देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आप लोग जैसे हो गए, यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको इतने सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर अपने पास है ये DIA PV, जो भी है ये XPVP सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ की। एंड यहाँ पर देख सकते हो अपन लोग आ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इन लोगों ने जावा वाले टेक्सचर पैक लगा रखे हैं, ये जो आप देख सकते हो मैं जहाँ पर अटैक करूँगा वहाँ पर वो जावा का कूल डाउन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी हाँ, काफ़ी ज़रा बढ़िया है एंड यहाँ पर एक्चुअल में शायद तक से एक्स का डैमेज ज़्यादा रहेगा। तो हाँ, आप लोग यहाँ पर आराम से खेल सकते हो एंड काफ़ी ज़रा बढ़िया सर्वर है, तो आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। बाकी चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट सर्वर के ऊपर। ओके, तो फिर से अपन को क्लिक कर देना है ऐड सर्वर के ऊपर। अपने अपना सेकंड सर्वर है नेदर गेम्स, तो यहाँ पर अपना नेम डाल देता हूँ नेदर गेम्स करके। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ सर्वर नेम करेक्ट डालना कोई ज़रूरी नहीं, आप लोग कैसे भी डाल सकते हो, लेकिन हाँ, आपको सर्वर एड्रेस यानी कि जो IP है वो एकदम करेक्टली डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपनी IP है play.nethergames.org। अगर आपको ढंग से देख नहीं रहा तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ play.nethergames.org। एंड यहाँ पर ये लोड हो चुका है, पिंग नहीं दिखा रहा है, आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर लेते हैं। एंड हाँ, बाकी अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे माइनक्राफ्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें आने वाली है एंड हो सकता है फ्यूचर में दूसरे गेम्स भी आएँ। तो हाँ, सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। बाकी चलते हैं इस नेदर गेम्स के अंदर और कहाँ चलेंगे। उम्मीद अपन आ चुके हैं नेदर गेम्स की लॉबी के अंदर एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 1016 प्लेयर्स ऑनलाइन है अभी एंड बढ़ते ही जा रहे हैं। बाकी अपन को एक पोर्टल देखने को मिल जाता है, अपन को इसके ऊपर राइट क्लिक करना है या फिर आप लोग होल्ड कर सकते हो, जो भी आप कर पाओ। एंड नेदर गेम सबसे ज़्यादा फेमस है बैड वॉर्स के लिए। बाकी अपन को जाना है डुअल्स के अंदर क्योंकि अपन को PvP करनी है एंड यहाँ पर सोलो भी है एंड डबल्स भी है, अपन चलते हैं सोलो के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर ओके इंस्टेंटली यहाँ पर एक प्लेयर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि एक टच प्लेयर है, तो हाँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि मैं OTG यूज़ करता हूँ, माउस एंड कीबोर्ड अपने फ़ोन पर ही लगाकर खेलता हूँ मैं। शायद तक से उसको मेरा टच ही दिख रहा होगा, बट जो भी है आप लोग देख सकते हो इस फाइट को। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सर्वर के ऊपर। ओके, तो फिर से अपन को क्लिक कर देना है ऐड सर्वर के ऊपर एंड यहाँ पर अपन को डालना पड़ेगा अपने सर्वर का नेम। एंड अपना थर्ड सर्वर है हाइपरलैंड्स, तो यहाँ पर सिंपली से अपन को हाइपरलैंड्स लिख देना है एंड नेम लिखने के बाद अपन को डाल देना है सर्वर एड्रेस यानी कि IP एंड इसकी IP है play.hyperlands.mc.net। तो फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड हाँ, पोर्ट सब के अंदर सेम है, अपन कोई भी मतलब दूसरा पोर्ट वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, सारे बस यही है 19132। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपनी IP एंड लोकेटिंग का वेट करते हैं एंड यहाँ पर भी शायद तक से पिंग नहीं दिखाएगा, अपन लोग डायरेक्टली ज्वाइन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग ज्वाइन हो चुके हैं हाइपरलैंड्स के अंदर एंड इनका डिस्कॉर्ड भी है, आप लोग चाहो तो जा सकते हो। एंड हाँ, वैसे कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, किसी ने स्पॉन्सर नहीं करा इस चीज़ को।
एंड लॉबी में आते हैं, अपन को यहाँ पर एक अपडेट देखने को मिल जाता है, क्रिसमस अपडेट प्रेजेंट हंट, जो भी आप लोग चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड ये क्या, ये पांडा कहाँ से आ गया। एंड जो भी है यहाँ पर अपन को एक नेविगेटर देखने को मिल जाता है जो कि एक नेदर स्टार है। यहाँ पर लॉबीज है, गेम्स है, लॉबीज यहाँ पर कितनी, 1, 2, 3, 4 लॉबीज हैं। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग हैं, ओके अपन यहाँ पर ऑलरेडी यहीं पर ही हैं। एंड यहाँ पर अपन को गेम्स देखने को मिल जाता है, बैड वॉस, स्काई वॉस, लेकिन अपन को जाना है डुअल्स के अंदर, चलते हैं डुअल्स के अंदर। एंड यहाँ पर है बिल्ड USC पॉट PvP, तो वन बिल्ड USC में चलते हैं। एंड ओके यहाँ पर डायरेक्टली अपना मैच लग भी चुका है। एंड हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एकदम स्मूथली चल रहा है मेरे यहाँ पे। एंड हाँ, मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें FPS ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी कर रखी है, जैसे मैं PvP पैक यूज़ कर रहा हूँ, मेरा स्काई ऑफ है, तो उन सारी चीज़ों से आपके FPS बढ़ जाते हैं। एंड ये बंदे ने ली भी कर दिया, तो चलो कोई बात नहीं, मैं चलते अपने नेक्स्ट सर्वर के ऊपर। ओके, तो एक और बार अपन को क्लिक कर देना है ऐड सर्वर के ऊपर। एंड यहाँ पर अपन को डालना अपने सर्वर का नेम, जिसका नाम है वैनिटी, तो यहाँ पर अपन लोग देते हैं वैनिटी। एंड यहाँ पर अपन को डालना सर्वर एड्रेस, तो इसका एड्रेस है play.vanitymc.com, हाँ .com लगेगा लास्ट में, आप लोग भी बस ये डाल देना play.vanitymc.com। एंड फिर अपन कर देते हैं सेव के ऊपर क्लिक एंड वेट करते हैं। एंड हाँ, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है लोकेटिंग होने में, लाइक नॉर्मली 20 या 30 सेकंड लगते हैं। एंड यहाँ पर ये हो चुका है एंड पिंग लोड ही नहीं हो रही, अपन डायरेक्टली ज्वाइन ही कर लेते हैं। एंड जब तक अपन लोग ज्वाइन हो रहे हैं तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक हो या फिर आप लोग चाहते हो मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कर देना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता ही हूँ। एंड आपके अगर रिकमेंडेशन अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो बना भी दूंगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो वैनिटी नेटवर्क का अपन यहाँ पे वाटरमार्क देखने मिल जाता है, या फिर लोगों कह लो, कुछ भी कह लो इस चीज़ को। ओके, तो अपन आ चुके हैं वैनिटी नेटवर्क के अंदर। एंड यहाँ पर अभी मेरे को तो कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, बाकी अपन यहाँ पर एक और बार कंपास देखने को मिल जाता है, अपन यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं इसको। एंड यहाँ पर है डुअल सपना जो कि PvP है, सोलो के अंदर 19 लोग प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। एंड चलते हैं अपन लोग देखते हैं यहाँ पे मैच कितनी देर में लगता है। ओके, तो यहाँ पर मैच लग चुका है, यहाँ पर अपना दूसरा प्लेयर भी आ चुका है। तो किसी भी सर्वर के अंदर अपन को मैच मेकिंग के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आई, सब जगह पर अपनी मैच मेकिंग जल्दी से हो गई। एंड यहाँ पर देख सकते हो अपन इसको मार रहे हैं, तो फिर वो भी दिख रहे हैं -1 कितना हो रहा है। एंड ओके, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चलेगा ये मैच, तो अपन पूरा तो नहीं करने वाले, तो हाँ थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पर गेम प्ले देख सकते हो 10-15 सेकंड का, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट सर्वर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर अपना लास्ट सर्वर यानी कि अपनी लिस्ट का नंबर 1 सर्वर, एंड इसका नाम है जेका, आप लोगों ने सुना ही होगा, मैं इतना अजीब डायलॉग क्यों मार रहा हूँ, बट जो भी है यहाँ पर अपन को इसकी IP देखने मिल जाती है जो कि है zeka.net, सबसे छोटी IP इसी की है। एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत है, मैं आपको भी बता देता हूँ क्या दिक्कत है। जैसे कि अभी मैंने ज्वाइन सर्वर के ऊपर क्लिक करा, एंड यहाँ पर अभी अपन लोग ज्वाइन नहीं होने वाले हैं। हो सकता था मैं इस वीडियो को यहाँ पर कट कर देता, लेकिन मैं कुछ भी फेक चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो चीज़ है ऐसा नहीं है कि अपना वर्जन सपोर्टेड नहीं है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जेका के अंदर प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी भी जो है पूरा का पूरा सर्वर ही फुल है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से जाकर के जेका में, यहाँ पर देख सकते हो 252 आफ्टर 253, मतलब पूरा का पूरा सर्वर ऑलमोस्ट फुल ही रहता है, अभी पिंग भी सही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हाँ, जो भी अपने ऑफ आवर्स होंगे जब आपको ज़्यादा जगह मिले तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो, तो ये सर्वर भी एकदम वर्किंग है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा पीक आवर चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जब भी आप लोगों को स्पेस मिले आप लोग ज्वाइन कर लेना। बाकी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।